ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है लिख रहा ना। हाँ हो गया, हो जाएगा, हो चुका है। सब लोग आ जाइए। चलिए बाबू सारे लोग आ जाइए तो रिप्लाई कीजिए। अभिषेक, इलेक्ट्रिकल भाई, गौरव भाई, अभिजीत सारे रिप्लाई कर दीजिए बाबू, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। हाय सर, यस सर, अभिजीत, गौरव, बस दो ही और लोग, और लोग रिप्लाई कीजिए। बढ़े आगे, बढ़े आगे बाबू, नेट का प्रॉब्लम हो गया था। बोल रहे थे रिपीट कर, जो बोल रहे थे रिपीट कर, कल से जो चालू करने वाले थे। हाँ कहाँ लिखा है, कहाँ कुछ अभी तीन ही लोग हैं क्या? सोनू कहाँ गया? सोनू है क्या? सोनू, अभिषेक, चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था बाबू कि कल से मैं पॉलिटेक्निक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैच, ठीक है? पॉलिटेक्निक का बैच आपको एंट्रेंस के लिए करूँगा, उसमें भी ये सारे कुछ सब आने वाले हैं आपके, ठीक है? ये सब आएंगे, जो जो पढ़ा रहे हैं, ये लॉज ऑफ मोशन सब फिर उसमें भी आएंगे, लॉज ऑफ मोशन आएंगे, जो एंगुलर वेलोसिटी आएंगे, लिनियर मोशन सब है, गति उति वाला सारे कुछ उसमें भी फिर हम इसे रिपीट करेंगे वहाँ भी, तो वहाँ पर आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से रिपीट किया लिखिएगा, फिर इसका 8 टोटल हम लोग ब्रांच जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला था मैकेनिक्स, ठीक है? मैकेनिक्स। दूसरा हो जाएगा आपका हीट, लिखिएगा हीट, हीट जो कि पिछला सेमेस्टर में पढ़ चुके थे आप लोग। इसमें हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ सब था, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस सब इसी में आता है। इसके बाद होता है साउंड, साउंड होता है। इसका इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। इसी तरह सोन हमको जरूरत नहीं है, ठीक है? बस हमको मैकेनिक्स पर फोकस करना है, तो ये हम लोग देते हैं। तो मैकेनिक्स है हमको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक था मैकेनिक्स, तो हम ये बताना चाह रहे थे मैकेनिक्स कहाँ से आता है। तो मैकेनिक्स आता है फिजिकल साइंस से, मतलब साइंस को दो हम आते हैं, एनपी याद रखना है, एनपी, ठीक है? एनपी तो नेचुरल साइंस दो टाइप का हो गया, फिजिकल साइंस भी दो टाइप का हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। तो बायोलॉजी सब इधर आ गया, फिजिक्स को भी 8 बार में और केमिस्ट्री को भी 8 बार में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसमें से फर्स्ट जो पोर्शन है वो आपका मैकेनिक्स है। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे, मेन मुद्दा पे। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? मैकेनिक्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स को हम लोग जानते हैं, तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे, हालांकि शुरू में भी लिखे थे डेफिनेशन, फिर आज लिखेंगे, लिखेगा डेफिनेशन मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स का डेफिनेशन, ठीक है? मैकेनिक्स का डेफिनेशन, मैकेनिक्स का, MECHCHANICS, मैकेनिक्स को भी जो हवाते हैं बाबू, डेफिनेशन लिखेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें स्टैटिक होता है, स्टैटिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, डायनामिक्स होता है। डायनामिक्स को फिर दो भाग बांटते हैं, डायनामिक्स को बांटते हैं काइनेटिक,
मैट्रिक्स और काइनेटिक्स, काइनेटिक्स काइनेटिक्स काइनामेटिक्स और ये काइनेटिक्स, ठीक है। अभी मत लिखिए, लिख भी चुके हम, कोई बात नहीं है, हम सब अगले फीचर में लिखाने वाले हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स का ये किसका, मैकेनिक्स किसका जब भाग था आपका, फिजिक्स का एक ब्रांच था। आप देखेंगे यहाँ से कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, तो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के गति के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, और फोर्स के प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, डेफिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि मतलब इसे ही बोल देता हूँ, एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैकेनिक्स, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करते हैं, और गति के बारे में अध्ययन करते हैं, फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके प्रभावों के बारे में भी हाँ अध्ययन करते हैं। तो ये मैकेनिक्स होता है, इसको दो भाग मारते हैं, एस्टेटिक्स और डायनामिक्स। एस्टेटिक्स मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर मतलब कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है और उस समय वस्तु रुका हुआ है, उस समय उसके हम पूरा डिटेल में अध्ययन करते हैं, मतलब कितना फोर्सेस लग रहे हैं, उसका क्या मोशन है, तो मौसम तो खैर रेस्ट में ही है तो कोई मतलब नहीं है, तो जो रुका हुआ है उस समय उसके अध्ययन करते हैं, फोर्स और उसका प्रभाव सबका अध्ययन करते हैं, जिस ब्रांच में उसको बोलते हैं एस्टेटिक्स। जैसे कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे सवाल किए थे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखे हैं इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो, वाई डायरेक्शन में क्या हो, सब किसों पर है, एस्टेटिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक्स में ये वस्तु क्या होगा, मोशन में होगा, ये बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा, यही है लॉज ऑफ मोशन, यही से हम लोग पढ़ रहे डायनेमिक्स एक्चुअली पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स। मतलब स्टैटिक्स सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग इस्तेमाल किए हैं, वहाँ पूरा इंजीनियरिंग जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो बीम सब था, बीम है आपका है, टाइप सपोर्ट्स लोडिंग सब पढ़ते, इक्विलिब्रियम सब पढ़ रहे थे, वो स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग आ गए डायनेमिक्स में, लॉज ऑफ मोशन, यानी वस्तु को क्या करें, मोशन करवाने, लेकिन उसको क्या नियम है, मोशन करेगा लेकिन क्या नियम है, क्या नियम है उसके बारे में आपको यहाँ से बता रहा है, ठीक है। सोनू, हाँ रावत आगे, सोनू भी आगे, अपने पापा के मोबाइल से कर रहे हैं, हाँ तो सोनू आगे हैं, चलिए तो डायनेमिक्स देख रहे हैं, मोशन, तो मोशन क्या है, मोशन तो ऐसा मैकेनिक्स का भाग ब्रांच जिसमें हम लोग वस्तु के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, वस्तु मोशन में हो और उस समय वस्तु मोशन में हो, उस समय उसके आप उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मोशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय उस ब्रांच को बोलते हैं डायनेमिक्स। इसमें फिर दो पार्ट होता है, एक भी मोशन के कॉज को अध्ययन करते, मोशन जब होता है इसमें फोर्स किस कारण से, फोर्स किस कारण से मोशन हो रहा है, अगर इसको हम बारे में सोचेंगे तो उसको बोलेंगे काइनेटिक्स। इसमें कंसीडर करते हैं, कंसीडर कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन के कारण का अध्ययन कर रहा है, नॉट कंसीडर्ड कॉज ऑफ मोशन, कॉज मीन्स होता है बाबू कारण। तो यहाँ इस ब्रांच में काइनेमेटिक्स में हम लोग नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ यहाँ जैसे नहीं बोलते हैं कि आम खाने से मतलब रखो गुठली क्यों गिनते हो, तो वही हो गया, यहाँ हो गया कहाँ से आम आ रहा हमको मतलब नहीं है, ठीक, खाने से मतलब है, यहाँ मतलब है दोनों से, इसका माली के बारे में जानेंगे, किस टाइप का आम है, क्या नहीं है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जो ब्रांच पढ़ेंगे काइनेटिक्स पढ़ेंगे, यानी मोशन जो हो रहा है वो क्यों मोशन हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन लग रहा है, सब यहाँ चर्चा करें, बट यहाँ चर्चा नहीं, यहाँ सिर्फ मोशन हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में आपका सिर्फ टर्म आएगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बस यही तीन शब्द, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जबकि यहाँ आपका आएगा फोर्स, ठीक है, फोर्स और एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स है तभी तो मोशन कर रहा है, तो यहाँ से फोर्स का शब्द सब आएगा, इसमें सिर्फ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यही सब आएगा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े हैं। तो इसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, हम इसलिए नहीं लिखाएंगे, आगे बढ़े, ठीक है, यस, चलिए तो कुछ लिखेगा, सम बेसिक डेफिनेशंस, कहिएगा सम बेसिक, अभी सब पढ़ने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन सब है, टर्म है जिसके बारे में मुझे पता होता है,
तो लिखिएगा सम बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, सम बेसिक डेफिनेशंस। तो सम बेसिक डेफिनेशंस में क्या होता है बाबू, तो बेसिक डेफिनेशन में जो जरूरत पड़ेगा वो सब सब इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे उस बारे में। तो सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, हमें यहाँ बता चुके हैं, बोलिएगा तो हम बता देंगे। सम बेसिक डेफिनेशन पता हो जाएगा मास, मास जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या मास के बारे में जानते हैं, मुझे लिखाना पड़ेगा, बताइए मास के बारे में लिखाना पड़ेगा, क्या जानते हैं? ठीक है, मास के बारे में हम, हालांकि ये सब हम जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको मास का बताए हैं, वेट का डेफिनेशन बताए हैं, बता चुके हैं। ठीक है, मास का डेफिनेशन, वेट का डेफिनेशन, रिजिड बॉडी का, डिफॉर्मेबल बॉडी का, इलास्टिक बॉडी का, तो ये सब बताना पड़ेगा कि नहीं बताएंगे, बताइए लिखाना पड़ेगा नहीं लिखाएंगे? हाँ सब जानते हैं, लिखा हुआ भी है, ये सबको नहीं नहीं बताना है, नहीं, चलिए वेरी गुड, नहीं बताना है। आप लोग रिप्लाई कर दिए, बहुत बढ़िया, मतलब मैं अपना आप समय बचत कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स। अच्छा वेट सब जानते हैं बाबू, वेट जानते हैं ना, तो आप एक काम कर लीजिएगा, एक असाइनमेंट कर लीजिएगा कि जो डायनेमिक्स है डिफरेंस बिटवीन मास एंड मास एंड वेट, हालांकि वहां भी आप किए होंगे WEIGHT वेट ना कैपिटल, ठीक है ना, डिफरेंस सब लिख लीजिएगा। ठीक है, कि ये क्या होता है, मास क्या होता है, मास क्या होता है बता देते हैं, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है, किसी मैटर का क्वांटिटी है, किसी मैटर का क्वांटिटी है जो उसी में निहित होता है, उसको मैटर मास बोलते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी सब्सटेंसेस है जिसको क्वांटिटी निहित होता है उसको बोलते हैं मास बोलते हैं, जबकि ये क्या है, एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, धरती माता कितने फोर्स फोर्स से इसको अपनी ओर खींच रही है उसको बोलते हैं वेट बोलते हैं। पहला डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि एक स्केल ऑफ क्वांटिटी हो मैटर क्वांटिटी है। तीसरा डिफरेंस हो जाएगा कि आपका ये जब स्केल ऑफ क्वांटिटी है तो निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है, जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो, जबकि स्केलर है ये वेक्टर है तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इस हिसाब से होता है। इसका यूनिट लीजिएगा ऐसा यूनिट किलोग्राम होगा, सी जी एस यूनिट ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, सी जी एस यूनिट होगा ग्राम हो जाएगा, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा एम के एस यूनिट हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, और एक और यूनिट होता है स्लज SLUG स्लज, स्लज भी इसका यूनिट होता है, जब इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, आप वीडियो सब देख लीजिए फिर ध्यान से, तो रिपीट कर ध्यान दीजिए, इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा CGS यूनिट डैन हो जाएगा, और MKS यूनिट किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। इसका कन्वर्जन क्या कर देंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इसको क्या होगा एक न्यूटन बराबर हो जाएगा, एक न्यूटन बराबर 10^5 ग्राम हो जाएगा, एक किलोग्राम फोर्स बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। बाबू आप ये सब इसलिए नहीं हम कुछ भी लिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं, इसीलिए हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है, ये सब नहीं लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग सब सही लिखे हैं, आप लोग सब मेरे से पढ़े हैं, आपको सब आइडिया है, ठीक है, हाँ, तो ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फोर्स, क्योंकि सब जरूरत पड़ता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, यानी पहला में आप लिखते हैं, दूसरा में वेट लिखते हैं WEIGHT वेट का डेफिनेशन, तीसरा में फोर्स लिखते हैं, क्या फोर्स के बारे में लिखना है नहीं लिखाना है, फोर्स के बारे में भी लिखा चुके हैं जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे फोर्स के बारे में डिटेल में, ठीक है, लिखाना नहीं लिखाना बताना है, तो फोर्स के बारे में बताना है, तो हम बस हम लिखाएंगे कुछ नहीं, बता देते हैं आपको, रिकॉल करवा देते हैं, तो हम जानते हैं, ठीक है, कि फोर्स, हाँ फोर्स क्या है, एक ऐसा एजेंट है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है, या कह सकते हैं एक एजेंसी है, या कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, या कह सकते हैं फिजिकल कॉज है, जो किसी वस्तु पे लग के उसके शेप साइज और डायरेक्शन चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, हम आपको बता चुके हैं। तो फोर्स देखिए ध्यान सुनिएगा कितना चीजें बोल रहे हैं, फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है, बहुत सारी बोलते हैं,
फोर्स क्या है, एक फिजिकल ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है, फोर्स एक ऐसा एजेंसी है, फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है। देखिए एक ही चीज को चार बार हम बोले, चार सब चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी वस्तु पे लग के उसके साइज को, साइज मतलब होता है बड़ा छोटा कर दीजिए साइज के, उसका शेप चेंज कर दीजिए, स्फेरिकल को सिलिंड्रिकल कर दीजिए, सिलिंड्रिकल को कोनिकल कर दीजिए, ये हुआ शेप चेंज करना, ठीक है। तो किसी वस्तु पे ये सब लग के यानी फोर्स लग के उसके साइज को, उसके शेप को, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है, तो उस टाइप के एजेंट को, उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को, उस टाइप के अफेक्ट को फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज का बारे में था। इसके बाद फोर्स है, आप जानते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट सब यही, इसका भी यूनिट था वेट था, वही सब था आपका, इसका भी यूनिट वेट सब होता है। अब आप अगर आपसे हम पूछते हैं कि वहाँ भी हमारे बताए थे जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे कि किसी भी फोर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो किसी भी फोर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए हमको चार चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा चीज़ चाहिए उस फोर्स का डायरेक्शन कितना है, तीसरा चीज़ चाहिए उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, ठीक है। चार में पाँच चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, इसके बाद उस फोर्स का चाहिए कि नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है, मतलब कंप्रेसिव है कि कंप्रेसिव फोर्सेस है या टेंसाइल फोर्सेस है, और पाँचवा चाहिए लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। हालांकि लाइन ऑफ एक्शन, हालांकि चार भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में ही आ जाता है, तो ये हमारे चाहिए, ठीक है, चार ही बोलते हैं। तो किसी भी फोर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए वी नीड फोर फिजिकल क्वान्टिटीज, ठीक है। चार चीज़ आपको चाहिए, फिजिकल क्वान्टिटी मत बोलिए, मतलब चार थो आपको मटेरियल चाहिए, चार चीज़ बारे में चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या करके बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और पाँचवा चीज़ चाहिए, चौथा चीज़ चाहिए नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये चीज चारों पता रहता है तो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड हो जाता है फोर्स के बारे में, ठीक है। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, आप एक सही चीज है, सब जागते रहो, हाँ पहरेदारी करते रहिए, जागते रहो, ठीक है, बढ़िया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्लीज पांच नंबर पूछ सकता है कि राइट डाउन द अफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तो आप लिख पाएंगे। तो पहला अफेक्ट क्या होगा कि वो किसी को शेप को चेंज कर देता है, चेंज करने का कोशिश करता है, और इतना ही लिखना है कि ए फोर्स में चेंज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, में चेंज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एग्जाम्पल लेकर तो बता देना है, ये होगा पहला पॉइंट में होगा, दूसरा पॉइंट में हो जाएगा ये फोर्सेस, ठीक है, क्या करता है उसके शेप के बारे में चेंज करने की कोशिश करता है, तो ये सब, ठीक है ना, तो उसके साइज के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो चेंज कर सकता है और करने की कोशिश करता है, फिर उसका एग्जाम्पल लीजिएगा, फिर पूछेगा डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, कर देता है, इसका फर्स्ट ये सब प्रभाव हो गया, तो आप समय के एक एग्जाम्पल घुसा देना है, ठीक है। साइज चेंज करने के लिए क्या हो सकता है कि साइज चेंज करने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइज चेंज करने के लिए क्या ले सकते हैं कि आपके पास कोई भी आपका ये मटेरियल है जिसको आप इलोंगेट कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, हाँ ठीक है, तो उस टाइप से आप वहाँ एग्जाम्पल लेके ले सकते हैं। शेप चेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि गूंथा हुआ आटा जब है उसके उसमें उसको आप फोर्स लगाते हैं तो साइज भी चेंज कर जाता है, शेप भी चेंज कर सकता है, ये सब एग्जाम्पल सब लेते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोल सकते हैं फोर्स की जरूरत पड़ता है, कहाँ अफेक्ट में एग्जाम्पल लेके लिखने के लिए लिख सकते हैं कि कहीं भी टर्निंग पॉइंट आता है तो वहाँ आपको एक सेंट्रीपेटल फोर्स, एक अलग सेंट्रीपेटल फोर्स लगाना पड़ता है, तो वहाँ डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब उसका अफेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ। चलिए नेक्स्ट टर्म लिखिए इनर्सिया, यहाँ से है जो आप नया चीज आप पढ़ेंगे, इनर्सिया, INERTIA, इनर्सिया, ठीक है, इनर्सिया INERTIA चौथा टर्म है आपका इनर्सिया, तो इनर्सिया आप नहीं पढ़े हैं, इनर्सिया INERTIA इनर्सिया इनर्सिया चौथा सब पढ़ेंगे हम लोग, INERTIA इनर्सिया
तो इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस, इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू चेंज, इसका मतलब क्या होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, मतलब आप चेंज करना चाह रहे हैं कोई भी चीज उसको रोकना रोकता है, समझ, चेंज करना चाहता है उसको रोकता है, तो इस गुण को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो ये गैलीलियो साहब बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए थे, ये आपका 15वीं शताब्दी में ही किए थे, ठीक है, 1600 समथिंग का, हाँ 17वीं शताब्दी में किए थे, ठीक है, उस समय बहुत वो एक्सपेरिमेंट करके ये सब निकाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे वो क्या किए थे, इनक्लाइन किए थे, वेज रखे थे, इनक्लाइन वेज रखे थे, बॉल को गुड़का रहे थे और देखते थे गुड़कने के बाद क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद जाने का रुक जाता है, तो वो हजारों बार किए, ये सोचे क्या करे, क्यों रुक जा रहा है, ये जब जा रहा है तो क्यों नहीं हमेशा आगे कंटिन्यू ले चला जाता है, तो फिर उसको बहुत सोचते सोचते तब एक फाइनल कंक्लूजन पहुंचे कि नहीं, दुनिया का कोई भी वस्तु है जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसको अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, मतलब जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, उसी अवस्था में रहना चाहता है, तो मतलब चेंज नहीं होना चाहता, अवस्था चेंज नहीं होना चाहता, नहीं चेंज होगा तो रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस का मतलब रोकना, तो चेंज को रोकता है, चेंज नहीं होना चाह रहा है, समझे, जैसे होता है हम लोग को भी आदत है कि अब जैसे 8 बजे इसको जगने की आदत है, वो उसको बोले कि नहीं तुम 6 बजे जगो तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, वो नहीं जगना चाहेगा, आदत नहीं चेंज करनेगा, आप कोई भी आपका आदत हो, जो आप सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, दारू पीते हैं, सब आदत है, तो आप नहीं चेंज करेंगे, रेसिस्टेंस टू इनर्शिया, रेसिस्टेंस टू चेंज, बिकॉज ये आप इनर्शिया से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, गैलीलियो के खानदान के ना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए नहीं चेंज होना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारा मतलब ये है, ये ड्यू टू इनर्शिया होता है, समझ रहे हैं, तो रेसिस्टेंस टू चेंज, लेकिन ये क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है, इसका प्रयोग, ये प्रॉपर्टी मटेरियल का, ओके, तो चल इसका परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखे तो लिखेगा, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज द इनहेरेंट, इनहेरेंट, INHERENT, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, 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 इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ 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 ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय वर्च्यू, VIRTUE, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, by virtue of which, by virtue of which, it cannot change by itself, it can not change by itself, it cannot change by itself, 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 in a state of motion or rest, in a state of, in a state of, in a state of, in a state, a state of at rest कर दीजिए पहले, at rest or in uniform motion, uniform motion मतलब नहीं चेंज करना चाहिए, uniform motion in a straight line, uniform motion in a straight line, in a straight, straight, straight line is called, called inertia, is called inertia, is called